आगरा में फतेहाबाद थाना क्षेत्र के पीपल चौकी गांव के पास एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे को देखकर राहगीरों ने तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई और क्षेत्रीय पुलिस को इसकी सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे में घायल सभी यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस बाह से दिल्ली जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। बस पलटने से बस में बैठे सवारियों में चीख पुकार मच गई और यात्रियों ने बताया कि सभी बेफिक्र होकर बैठे थे, तभी अचानक बस पलट गई जिसमें सभी को चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, बाकी सवारियों को हल्की चोट आई है। सभी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और क्रेन की सहायता से बस को खाई से बाहर निकाल लिया गया है। रात को पलटने से ये आशा हुआ था। कहाँ से जा रही थी गाड़ी? ये आगरा से भिंड के लिए। अच्छा, कोई घायल हुआ इसमें? घायल की तो मेरे को भी नहीं मालूम, एक बता रहे थे। अच्छा, कितनी सवारी होंगी लगभग? 15-20 आदमी बता रहे थे। अच्छा, कोई ज़्यादा गंभीर तो नहीं? कोई ज़्यादा